मसूरी में परिवार के साथ निजी दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा के लिए किए गए कड़े बंदोबस्त। होटल को किया गया छावनी में तब्दील। कानपुर के पूर्व भाजपा विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन अपने निजी दौरे पर मसूरी पहुंचे। कहा सीएम धामी चंपावत सीट से भारी मतों के साथ बनेंगे विधायक। पीएम मोदी के खेलो इंडिया प्रोजेक्ट के तहत पीलीभीत में हुआ तैराकी खेलों का शुभारंभ। हिस्सा लेने वाले तैराकों का किया जाएगा रजिस्ट्रेशन। मेडिकल टेस्ट के बाद होगी स्विमिंग पूल में एंट्री। बाराबंकी में भू माफिया के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी। डीएम ने सरकारी तालाब पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए। कहा जो भी होगा दोषी उस पर होगी कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मिली उम्र कैद से ज्यादा सजा काटने वाले कामिल खान को आजादी। डिटेंशन सेंटर की कैद से मिला छुटकारा। परिवार को मिला ईद का तोहफा। बीए और बीएड की फर्जी डिग्री पर नौकरी कर रहे फर्जी शिक्षक को एसटीएफ गोरखपुर ने देवरिया से किया गिरफ्तार। गोरखपुर के बेलीपार रहने वाला आरोपी बताया जा रहा। मथुरा की महावन तहसील के लेखपाल का पैसे लेते वीडियो वायरल। ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों के मुआवजे को डबल करके किसान को देने की एवज में लिए थे पैसे। वीडियो वायरल होने के बाद लेखपाल ने लौटाए पैसे। हल्द्वानी कोतवाली परिसर में पति पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा। युवक को उसकी पत्नी और सास ससुर ने कोतवाली में ही पीटा। कोतवाली परिसर में बवाल होता देख पुलिसकर्मियों ने तुरंत लोगों को छुड़ाकर मामले को शांत कराया। सीतापुर में ई रिक्शा पर रखे स्ट्रेचर पर मरीज को ले जाने का वीडियो वायरल। रविवार देर शाम का बताया जा रहा वीडियो। ई रिक्शा के पीछे चल रहे कार सवारों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। नोएडा के रेस्टोरेंट में खाने को लेकर झगड़ा। खराब खाने की शिकायत करने पर चाकू से हमले का आरोप। दो लोग घायल। रेस्टोरेंट के मालिक और कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सीतापुर में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा जारी। पिछले चार दिनों से पेड़ पर चढ़ा है युवक। उसकी मांग है कि बबूल पेड़ के कांटों की कटाई हो, साथ ही गौशाला की व्यवस्था भी करें। महाराजगंज के किशनपुर गांव में घर में घुसकर तेंदुए का हमला। पिता और बेटी को घायल किया। शेर सुनकर तेंदुआ जंगल की ओर भागा। भागते भागते तेंदुए ने रेस्क्यू टीम पर भी हमला किया। औरैया के बिधुना में बेला रोड पर दबंगों ने ट्रैवल एजेंसी चलाने वाले युवक के साथ मारपीट की। सीसीटीवी फुटेज में कैद मारपीट की तस्वीर। मामूली बात को लेकर की गई मारपीट। प्रतापगढ़ में डीजे की धुन पर शख्स ने अंधाधुंध फायरिंग की। फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मानिकपुर के करंटी का बताया जा रहा वायरल वीडियो। जौनपुर में छात्रों के दो गुटों में झड़प के दौरान एक छात्र की हत्या। कॉलेज में मारपीट का वीडियो वायरल। जलालपुर के त्रिलोचन महादेव बाजार में है कॉलेज। एटा के मिराची कस्बे में दबंग युवक ने 12th में की हर्ष फायरिंग। वीडियो हो रहा वायरल। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लिया। फायरिंग करने वाले युवक की तलाश कर रही पुलिस। कानपुर में भूसा बनाने को लेकर ट्रैक्टर मैकेनिक और किसान भिड़े। दोनों के बीच जमकर लाठी डंडे और लात घूंसे चले। मारपीट का वीडियो वायरल। हरदोई में शोहदे को छेड़खानी करना महंगा पड़ा। लड़की ने बीच सड़क पर ही शोहदे की पिटाई कर दी। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने पिटाई का वीडियो बनाकर वायरल किया। गोंडा में युवक को चोरी के आरोप में पेड़ से बांधकर मारने के मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। आगरा के सेवला में गेट निकालने को लेकर दो परिवार आपस में भिड़े। घर के अंदर घुसकर मारपीट की। महिलाओं को भी मारा पीटा। दोनों परिवारों में जमकर हाथापाई हुई।